वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैराशूट कोकोनट ऑयल और फिगैरो ऑलिव ऑयल, इन दोनों में से आपको कौन सा ऑयल बेस्ट में से है और आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए अगर आपके पास चॉइस हो। इनके कंपैरिजन आज आपको पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से हैं ये दोनों, इनके मैंने रिव्यूज़ पहले अच्छे से किए हुए हैं, बट स्टिल इनका कंपैरिजन मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है, ऑब्वियसली ये कोकोनट ऑयल जो है ये जम जाता है सर्दी में, बट जो फिगैरो का ऑलिव ऑयल है ये बिल्कुल नहीं जमता। और ये जो कोकोनट ऑयल है फ्रेंड्स, इसकी खुशबू बिल्कुल जैसे ना प्योर कोकोनट्स होते हैं, नारियल होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू है, लाइट सी। इसकी भी लाइट और माइल्ड सी है फिगैरो की, बट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पैराशूट। पैराशूट की बहुत अच्छी है। दोनों ही आप बच्चों पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही फेस पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मसाज कर सकते हैं फेस की, स्किन की, और इसके अलावा हेयर के लिए भी दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू कोकोनट ऑयल, जो हमारा ऑलिव ऑयल है इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉइंट में ये ज़्यादा सुपीरियर है। बाकी फ्रेंड्स दोनों ही हम कुकिंग के लिए यूज़ कर बने ही इसलिए हैं कुकिंग के लिए दोनों ही, बट हम लोग इसको फेस और हेयर पे भी यूज़ कर लेते हैं तो वो टोटली ठीक है, हम कर सकते हैं यूज़, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या हार्मफुल नहीं है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है काफ़ी सस्ता है, ये सिर्फ 42 रुपीज़ का ये 100 मिलीलीटर है, और ये जो ऑलिव ऑयल है ये भी 100 मिलीलीटर है, बट ये 162 रुपीज़ का है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप बेशक ना ख़रीदें ऑलिव ऑयल, ये लें। दोनों की चिकनाई बहुत अच्छी है, बट ऑब्वियसली जो ऑलिव ऑयल है इसकी चिकनाई ज़्यादा अच्छी है, दोनों ही हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोनों में से देखा जाए तो फ्रेंड्स दोनों ही ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, बट ऑलिव ऑयल ज़्यादा सुपीरियर मैं उसको मानती हूँ, तो उसको 5 में से 4.5 दूंगी और कोकोनट को 4.3 दे दूंगी। तो ये था आज का इसका कंपैरिजन। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।